हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आरिश खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और भाई मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस आरिश खान की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारा यहाँ पर प्यार दे रहे थे इस वाली सीरीज़ को, जो कि यहाँ पर मैं वाटर क्रॉस की बनाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ गाड़ियों के मुझे नाम सजेस्ट किए थे। ठीक है, पांच गाड़ियां हैं। सबसे पहले तो ये, अब यहाँ देख लो कितना ज़्यादा कूड़ा करकट है। सबसे पहली तो ये है दोस्तों ह्यूंडई की वेन्यू। ये डांसिंग कार बनी हुई है क्योंकि इसके टायर में जो है लो एयर प्रेशर है। ठीक है ना, लाइक कर देना वीडियो को सबसे पहले। तो गाइज ये है ह्यूंडई की वेन्यू। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वेन्यू। और आज जिमी आया नहीं है, आज मैं अकेला ही आया हूँ। ठीक है ना, कल आएगा जिमी। तो ये देख लो दोस्तों वेन्यू खड़ी है, ह्यूंडई की वेन्यू। तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड थी, वेन्यू लेकर आओ, वेन्यू। ठीक, मैंने कहा ठीक आएगी वेन्यू। दूसरे नंबर पे थी भाई टाटा हैरियर। हर वीडियो कमेंट बॉक्स में था हैरियर लेकर आओ, टाटा हैरियर, वी वांट टाटा हैरियर। मैंने कहा चलो भाई टाटा हैरियर तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। ये रही दोस्तों यहाँ पर टाटा हैरियर, ये देखो ये आगे दोस्तों हैरियर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे थी दोस्तों फॉर्चुनर लेजेंडर। मैंने कहा चलो भाई ठीक है फॉर्चुनर लेजेंडर भी आएगी। तो देखो भाई फॉर्चुनर लेजेंडर भी आप सब लोगों के यहाँ पर सामने है। ठीक है, उसके बाद भाई महिंद्रा की थार। और एक और अभी कमेंट कर रखा है कि महिंद्रा की जो नई वाली थार आई है ना भाई, वो भी लेकर आना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में, मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए महिंद्रा की जो लेटेस्ट वाली थार है दोस्तों, वो भी यहाँ पर लेकर आऊँगा। बट फिलहाल तो देखो आपको इसी वाली थार से यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर थी यहाँ पर एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और दोस्तों अभी दो गाड़ियाँ आनी बाकी हैं। ठीक है, अभी उनको भी यहाँ पर आने देते हैं, फिर एक साथ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी दो गाड़ियाँ आने वाली, एक टाटा की आ रही है, एक और ह्यूंडई की आ रही है। तो आप थोड़ा सा गेस कर लीजिए वो कार्स यहाँ पर कौन सी होने वाली है। एक बार उनको आने देते हैं, उसके बाद हम आगे वीडियो को दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू। राइट गाइस, तो हमारी और कार्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही थी ह्यूंडई की i20 और एक ये पर टाटा की दोस्तों सफारी। या भाई टाटा की सफारी, वो हैरियर और ये सब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है दोस्तों वेन्यू से स्टार्ट करना चाहूँगा। चलिए देखते हैं भाई वेन्यू कैसी चलेगी यहाँ पर। सबसे पहली बात, गड्ढे इस पर सहन नहीं हो रहे, वेन्यू पे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही गड्ढों को। एक भी गड्ढे को ऐसा नहीं हो कि सहन कर पाए। पहली बात तो कीचड़ में देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस है। सही है, 3, 2, 1 आराम से क्रॉस कर लिया। थोड़ी आराम से करेंगे, क्या बात है। ये कीचड़ भरा इलाका जो होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। बहुत ज्यादा अलग होता है यहाँ पर। भाई साहब बढ़िया, वैसे अच्छी लग रही है गाड़ी, जो बात है। चलो सही है, अच्छी तरीके से निकल गई गाड़ी में। पावर मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है भाई गाड़ी के अंदर। जिस लहजे की गाड़ी है ना वेन्यू, एक नंबर, काबिलियत तारीफ है इस सेगमेंट के अंदर, काबिलियत तारीफ है। चलो माइकल से ही नहीं चला जा रहा अभी, यहाँ देखो जरा कैसे चल रहा। ये तो फिर भी गाड़ियाँ हैं। अब टाटा हैरियर आती है। हाँ भाई ठीक है, लहजे में तो ये बड़ी ही है उससे अगर देखा जाए तो। है तो बड़ी हाँ, बट ये देख लो बस इतनी इतनी घिरी तो देखो दोस्तों हर गाड़ी रहती है। पहले हल्के हल्के लेकर जाऊँगा। क्या बात है, ओ भाई साहब, ओ भयंकर, देख रहे हो दोस्तों
आई मीन गाड़ी देखो यार, गाड़ी तो देखो क्या मस्त चल रही है दोस्तों। कार कार देखो क्या मस्त चल रही है। ओ भाई साहब क्या मस्त गाड़ी है। आई मीन गाड़ी को देखकर ही दोस्तों पता चलता है कि कार यहाँ पर बहुत मस्त चल रही है। देख रहे हो एक नंबर जिसको कहते हैं ना भाई वो है। और टाटा हैरियर तो देखो दोस्तों अपने आप में यहाँ पर आई मीन बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक कार है। मुझे दोस्तों टाटा हैरियर की कुछ बातें अच्छी लगती है बहुत ही ज़्यादा। टाटा हैरियर ने भी इजीली क्रॉस कर लिया, चलो सही। वैसे टाटा हैरियर का भाई दरवाज़ा यहाँ पर तो हर गाड़ी का ये जो माइकल दादा खुला ही छोड़ के आ रहे हैं भाई, बंद हो जा। चलो बंद कर दिया भाई इसका भी दरवाज़ा। अब आती है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर इजीली जिसको कहते हैं ना वो कर देगी पार। सबसे बड़ी गाड़ी है इनके अंदर, ये सबसे बड़ी लेजेंडर है यार ये। क्या हो गया इतनी तारीफ बर्दाश्त नहीं किया फॉर्च्यूनर लगता है सीरा ये भाई फॉर्च्यूनर पे लगता है बर्दाश्त नहीं, इतनी तारीफें हमने जो कर दी ना इसकी भाई साहब हैं दोस्तों। देखना जरा गाड़ी तो बढ़िया है। चलो ये तो डूब भी नहीं रही इतनी इजीली, जिसको कहता है ना इजीली वो निकल गई इतने इतने पानी में से तो दोस्तों आराम से। देखना ज़रा आराम से ये क्या हो गया ना, पुश स्टार्ट बटन भी काम नहीं कर रहा, पार्किंग में लगा हुआ है गियर हट गया, स्टीयरिंग बहुत भारी हो गया, गाड़ी का इंजन बंद हो गया, पानी घुस गया कार में। जो इतनी बड़ी गाड़ी है आई मीन वेन्यू तक निकल गई, बट फॉर्च्यूनर सोचा नहीं था भाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई दोस्तों। गाड़ी में पानी भर गया, ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई गाइज। आई मीन इतनी छोटी छोटी गाड़ियों ने तो दोस्तों यहाँ पर कर दिखाया, बट आप सब लोग यार वहाँ पर देख रहे हो उसने मतलब यहाँ पर दम तोड़ दिया फॉर्च्यूनर ने भाई साहब। ये बात मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों हजम से नहीं हुई यार। अब देखो ये भी नहीं है मैंने चलाने में ढील बरती, मैंने चलाई बहुत अच्छी तरह, थार की बारी है, बट फॉर्च्यूनर से ये उम्मीद नहीं थी। असल वो लेजेंडर वेरियंट था ना, 4x2 भी नहीं था, 4x2 है, 4x4 भी नहीं है वो। तो ये जितनी अब तक गाड़ी चली है सब 4x4 ही तो है, इस थार को छोड़ के ये है बस 4x4, जिसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। ये तो चीज़ ही कुछ और है, देखना ज़रा कैसे उठ उठ के भागती है, ये तो चीज़ ही कुछ और है दोस्तों। उठ दे दी वो बात अलग है कि हल्की सी ठुक भुक जाती है, बट स्टिल चीज़ ऐसी। ओ भाई साहब ये देखो ये देखो ये कैसे निकलेगी जहाँ फॉर्च्यूनर चलती थी। ओ माय गॉड गाइस लिटरली इधर वाले पानी में आने के बाद ना देखो क्या होता है, जब गाड़ी ज़्यादा डूबने लग जाती है ना तो उसके कनेक्शंस में अंदर पानी चल जाता है, जो स्विचेस वगैरह होते हैं फ्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं। क्या बात थार के अंदर भी पानी आ गया, सोचा नहीं था दोस्तों ये चीज़, तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी यार कि थार जैसी गाड़ी के साथ भी ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। फॉर्च्यूनर तो देखो कितनी ज़्यादा डूब गई, इससे ज़्यादा कबाड़ गाड़ी नहीं देखी मैंने फॉर्च्यूनर से। असल में पानी भी कुछ ऐसा है दोस्तों, उतरता रहता है चढ़ता रहता है, उतरता रहता है चढ़ता रहता है, तो इस टाइप का यहाँ पर सिलसिला बना रहता है। बट दोस्तों मतलब इतना नहीं सोचा था मैंने कि फॉर्च्यूनर और थार जैसी गाड़ियाँ इतना गिर जाएंगी। ओ भाई यहाँ तो बहुत पानी भर गया दोस्तों, स्विफ्ट तो बिल्कुल पानी में खड़ी भाई, स्विफ्ट के फ्यूज़ बॉक्स में पानी ना चला गया हो।
माइकल दादा बैठ नहीं रहे 200 इसके अंदर। इसका मतलब जब प्लेयर बैठता नहीं है ना तो गाड़ी ख़राब हो गई। स्विफ्ट तो खड़ी खड़ी ख़राब हो गई भाई साहब। ये तो मैंने सोचा ही था। i20 चल रही है क्या? i20 चला लेता हूँ पहले। वो देखो कैसे उठ रही है वो। दूर तेरी ये तो। क्या बात है, हुंडई की गाड़ियों ने तो तबाह मचा रखी। ये टर्बो वाली i20 है। जितना इसका वजूद है ना उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही। जितना इस गाड़ी का वजूद है। क्या बात है भाई, ह्यूंडई कौन सी टर्बो लगा रही गाड़ी के अंदर जो फॉर्च्यूनर में नहीं आई हुई। एनलाइन वेरिएंट है। चलाने में भी फन टू ड्राइव है, देख रहे हो, फन टू ड्राइव गाड़ी है भाई साहब। कंप्लीट कर दिखाया है 20 ने भी अपने हैचबैक के हिसाब से। खैर उससे तो अच्छी निकली वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट, खड़ी खड़ी शॉटिंग हो गई इसके अंदर। उससे तो बढ़िया निकली दोस्तों i20 बहुत बढ़िया निकल गई दोस्तों स्विफ्ट से। वो खड़ी खड़ी ख़राब हो गई यार यहाँ पर। भाई सफारी है तो जहाँ तक मुझे लगता है ना दोस्तों सफारी कर देगी काम, हो जाएगा। जैसे टाटा हैरियर निकल गई ना ये भी कर देगी काम। बॉडी हैवी है इसकी, शायद ना भी कर पाए। इंजन छोटा दे रखा भाई टाटा ने, बॉडी के हिसाब से बड़ा इंजन देना चाहिए था। भाई देखें जरा, पूरा कूदाऊंगा, पूरी गाड़ी कूदाऊंगा ताकि लोग ये ना बोल पाए कि आरिश भाई आपने इनसे अच्छी तरह टेस्ट नहीं करा। मैं बहुत बढ़िया तरह टेस्ट करा दोस्तों। भाई इसका मतलब कि टाटा बहुत अच्छी पैकिंग कर रही है अपनी कार के अंदर, अपने शॉर्ट्स वगैरह के। बढ़िया है भाई, टाटा का बहुत अच्छा काम लगा दोस्तों मुझे वाटर के मामले में। भाई साहब तो भाई आज का चैलेंज में आप सब लोग यहाँ पर देख लीजिए, दो हुंडई की गाड़ियाँ i20 वेन्यू और दो टाटा हैरियर टाटा सफारी फॉर्च्यूनर थार वार सुजुकी तो टट्टी है बिल्कुल ही, उसे तो छोड़ो ही। महिंद्रा टोयोटा ही खड़े भाई, देखो शेर शेर जिसको कहते हैं दोस्तों वे खड़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा आपकी किन किन गाड़ियों के साथ यहाँ पर डिमांड है, मैं किन किन कारों के साथ यहाँ पर जो टेस्ट करूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड ऑब्वियसली शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।